जिंदगी ठहर सी गई है, सृष्टि सहम सी गई है, न जाने कैसा फैला ये कहर है, मुश्किलों से बीत रहा हमारा हर प्रहर है। एक सवाल अब उठ रहा है, क्या वाकई मुश्किलों से कटता हर प्रहर है? होटल का टेस्टी फूड छूटा तो क्या हुआ? घर का इम्यूनिटी वाला फूड तो मिला? दोस्तों का याराना छूटा तो क्या हुआ? परिवार का प्यूरिटी वाला बॉन्ड तो मिला? वीकेंड आउटिंग्स पर बाहर जाना छूटा तो क्या हुआ? दोस्तों की मस्ती में मार खाना छूटा तो क्या हुआ? इनर इन्वेजन का समय तो मिला? फॉर एवरी थिंग वी थॉट वी लॉस्ट, वी गॉट एन ऑल्टरनेटिव, बट स्टिल वी स्ट्राइव टू थ्राइव। लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे, अपनी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बुझा रहे, पर क्या कभी उन अबोल पशु पक्षियों का ख्याल आया जो छोटे से जू में, म्यूजियम्स में अपनी जिंदगी बिता रहे? शायद सोचने का हमें कभी वक्त नहीं मिला। चार दीवारी में कैद की हमने एक जान है, फिर कैसे कह दे कि हम एक इंसान है? हमारे लिए वह एक मनोरंजन का स्पॉट बना, उनके लिए उनका जीवन एक रोबोट बना। खाना पीना उनका रेस्ट्रिक्ट हुआ, उठना बैठना खेलना कूदना सर्कस की ट्रिक हुआ। सृष्टि सिर्फ हमारी अकेले की नहीं, कई जीवों को तो धूप भी नसीब नहीं। उनका भी एक अस्तित्व है, उनका अपना एक व्यक्तित्व है, उम्मीदों से भरा उनका भी दिल है। यह सत्य समझना क्यों इतना मुश्किल है? हौसलों की उड़ान भरने वाले वे जीव हमारे लिए तो सिर्फ एक यंत्र है, तो कैसे कह दे कि आज का मानव और उसकी सोच स्वतंत्र है? जंगल से यानी उन्हें अपने घर से अलग किया, दुख हताशा से उन्हें जिंदगी भर संलग्न किया, उन्हें उनके परिवार से दूर किया और हमने परिवार सहित टूर किया। उन्हें तो अपनों से अलविदा कहलवाया, अपने मौज को पूरा करने मनुष्यों ने उन्हें अपनी उंगली पर नचवाया। आश्चर्य, क्यों उनके करुण अश्रु हमारी आंखों में लगे मनोरंजन के अंजन को नहीं पिघलाता? याद रहे, समय आने पर कर्म सबको अपना फल है दिखलाता। इस लॉकडाउन में हम तो फिर भी घर पर ही थे, वे तो अंतिम श्वास तक बेघर ही थे। हम पर तो फिर भी स्व सुरक्षा के लिए प्रतिबंध लगाए, लेकिन हमने तो पशुओं पर हमारी मर्जी से बंधन लगाए। उनके दर्द भरे करुण आंसुओं को देख चलिए हम भी करुणा का स्रोत बहाए, पशुओं को स्वतंत्रता दिलाए, परतंत्रता से मुक्त कराए, परतंत्रता से मुक्त कराए। Thank you.